विद्या मंदिर मराठी मीडियम डोंबिवली वेस्ट। प्रेजेंटेड बाय मिसेस दीपाली किरण गवाने। कक्षा पांचवी, विषय हिंदी, सुलभ भारती। नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ्यपुस्तक से नंदन वन पृष्ठ क्रमांक दो का पाठ सीखने वाले हैं। उन्होंने शुरुआत में ही कहा है, पौधे लगाओ, पेड़ बचाओ। देखो बच्चों, साल के जैसे ही अप्रैल मई जून का महीना आता है, भयंकर गर्मी सताने लगती है और हम सभी को याद आता है पेड़ लगाना चाहिए। यह केवल एक नारा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है हम सब की। आज की आधुनिक दुनिया में पेड़ों को बचाना बहुत जरूरी है। जहां शहरीकरण, औद्योगिकीकरण और ग्लोबल वार्मिंग तेजी से बढ़ रहा है, अगर पेड़ों को नहीं बचाया गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा और मनुष्य, जीव जंतु सभी का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। आज हम नंदनवन पाठ में कई पशु पक्षियों को मिलने वाले हैं, साथ ही साथ प्रणाम, स्वागत आदि शब्दों का भी परिचय हम आज करने वाले हैं। तो हम अब शुरू करते हैं। नंदन वन में हमें बहुत सारे पशु पक्षी मिलने वाले हैं। सबसे पहले हमें मिल रहे हाथी दादा, और हाथी दादा हमें कह रहे कतार में चलो। उसके बाद नंदन वन में हमारा स्वागत करने आ रही है तितली। तितली हमें स्वागत है यह कह रही है। तितली के साथ और कौन है और वो हमें क्या कह रहा है? तो तितली के साथ है खरगोश और वो हमें नाचो गाओ यह कह रहा है। अब देखते हैं हमें नंदनवन में कौन मिलने आ रही है। तो आ रही है लोमड़ी, और लोमड़ी कह रही है हम सब साथ है। देखो बच्चों, अब हम आ रहे हैं दूसरे पृष्ठ पर, और दूसरे पृष्ठ पर लिखा है हरियाली में खुशियारी। बच्चों, पौधों से ही हमारा पर्यावरण हरा भरा रह सकता है। जब तक पर्यावरण में हरियाली है, तब तक ही हमारे जीवन में खुशियाली बरकरार रहती है। हम सभी को अपने जीवन में पौधा अवश्य लगाना चाहिए। पेड़ हम सभी के जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। पेड़ों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे जब होगी पेड़ पौधों की बढ़त, तभी होगी जीवन की बढ़त। देखो, अब हमें प्रणाम करने कौन आ रहा है? तो तोता। तोता हमें प्रणाम कर रहा है। अब देखो, तोते के बाद कौन आ रही है? मछली। और मछली कह रही है जल ही जीवन है। अब देखते हैं आगे कौन आ रहा है। तो आगे आ रहा है बगुला, और बगुला हमें कर रहा है नमस्कार। अब देखते हैं हमें आगे कौन मिलने आ रहा है। मेंढक, और मेंढक कह रहा है आओ खेले। और इनके साथ ही साथ
हमें कौन कौन दिखाई दे रहा है? भालू और मगरमच्छ। देखो बच्चों, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए पेड़ पौधों के साथ ही पशु पक्षियों की भूमिका भी अहम है, यानी महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, फिर आज हमने नंदनवन पाठ में बहुत सारे पशु पक्षियों के बारे में जानकारी ली। किसी ने हमें नमस्ते कहा तो किसी ने हमें नाचने गाने के लिए कहा, किसी ने हम सब साथी का संदेश दिया। बच्चों देखो, परीक्षा में आपको इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे कि नंदनवन में हमारा स्वागत कौन कर रहा है, पृष्ठ एक का तोता हमें क्या कह रहा है, मेंढक हमें किस लिए बुला रहा है, कतार में चलने के लिए कौन कह रहा है, जल ही जीवन है कौन कह रहा है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको नंदनवन यह पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। घर में ही रहे और सुरक्षित रहे और बार बार अपने हाथ धोते रहे और COVID-19 से हमारी और हमारे घर की सुरक्षा करें। बच्चों अब हम मिलेंगे हमारे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं पशु पक्षी उनकी बोलियां। तब तक अलविदा।